1 minus x here raised to power 3 by 2. Dekho bhai. क्या करोगे इसमें तुम? हाँ साइन इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स को कितना लोगे? एक्स आ जाएगा साइन थीटा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, एक्स का वन इधर डी एक्स, साइन थीटा का कोस थीटा इधर डी थीटा। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो तुम जैसे मैं कराता हूं, लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करो आप, जब एक्स स्क्वायर तो जीरो है तो जीरो स्क्वायर टू साइन थीटा और थीटा जीरो आ जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर टू वन बाई रूट टू है तो वन बाई रूट टू स्क्वायर टू साइन थीटा थीटा आ जाएगा पाई बाई टू, तो नई लिमिट आ जाएगी तुम्हारी 0 से पाई बाई 4। हैं? अरे कौन रुक के मार रहा है? भविष्य कौन रुक के मार रहा है? अच्छा और बोलो। क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स का थीटा, डी एक्स का कोस थीटा डी थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर थ्री बाई टू। क्या बन गया ये? जीरो से पाई बाई फोर थीटा कोस थीटा, ये साइन कोस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर थ्री बाई टू। गाड़ी की चाबी लगा दी, मार कर पड़े और इंक भी। दो इंक लाया था, एक यूज हुई है, पता नहीं उसकी कमरे के बीच में से कहीं पटक कर रहा था। गाड़ी की चाबी लगा दी पड़ी है, खत्म हो रही होगी आज मेरी गाड़ी। देखिए ऊपर लेकर आनी पड़ेगी, मम्मी डालेगी वो चाबी। बताओ भाई, अब ये सुपीरियर से क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका जीरो से पाई बी फोर थीटा कोस थीटा, और फोर सुपीरियर है ये कैंसिल, एक कोस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा जीरो से पाई बाई टू थीटा सीकेंस स्क्वायर थीटा डी। अब बाय पार्ट्स में क्या है, बाय पार्ट्स में ध्यान देना है,
ये आ जाएगा। बाईपास करो, इंटीग्रेशन बाईपास करो बेटा। टाइलर के मुताबिक ये यू ही देंगे, यू आउटसाइड सीक्वेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। अब यहां करेंगे लिखेंगे नहीं, बाई पार्ट्स में करेंगे लिखेंगे नहीं, बस ये ध्यान देना है। माइनस 0 से पाई बी 4 थीटा का डिफरेंशिएशन, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4 टेन पाई बी। और माइनस जब जीरो रखोगे तो ये जीरो टेन जीरो माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सीकेंट थीटा, और लिमिट आपकी जीरो से पाई बाई फोर। कर लोगे इससे आगे तो हो जाएगा, एक स्टेप है हो जाएगा, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना ठीक है। और देखो भाई, भाई जो मुझे टिपिकल लग रहे हैं वो क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जो आप कर सकते हो आप जानो। कैसे करोगे प्रदेश, अभी कैसे करोगे? खाटका से बावड़े हो यार, जब भी अनरूट में लीनियर फंक्शन हो तो लीनियर फंक्शन को अनरूट समेत टी लेते हैं, जब भी अनरूट फंक्शन हो लीनियर में, लीनियर अनरूट में हो तो अनरूट समेत टी ले लो। 2x प्लस 1 आ जाएगा 30 किया, x आ जाएगा 30 किया माइनस 1 अपॉन में 2। बताओ भी समझ आया कि नहीं आया? ये सब आया है भाई? निकिता आई अब तक? नहीं आई है जी, अभी तक नहीं आई है। अच्छा कैसा नहीं है, पास तो मैं कहीं के पास बांध नहीं होगा जी, बारिश होगी थी इसलिए आ नहीं पाए, है ना कि जी बारिश होगी तो सर इसलिए आ नहीं पाए। आओ लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करो, जब x इक्वल टू 1 है तो t की वैल्यू यहाँ x 1 रखा तो t 2 प्लस 3 की वैल्यू रूट 3 आ जाएगी, और जब x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 में 8 और 1 2 3 आ जाएगी, तो नई लिमिट ही आ गया, तो लिमिट बदलने का जाएगी रूट 3 से 3। x की और x की जगह आप देखेंगे इस स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस x की जगह इस स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 अंडर 2x प्लस 1 की जगह लिखेंगे हम t। अच्छा इसका डेरिवेटिव लिखना भूल गए मैं,
टैन क्यूब लिख दो, क्या लिख देता हूँ मेरे को जगह है, टू डी एक्स, ये देखिए टू डी एक्स, टू एक्स का वन डी एक्स, वन का जीरो, टी स्क्वायर का टू टी डी टी, तो डी एक्स इसका टू टी डी टी आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा रूट थ्री से थ्री, ये वन बाई टू का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, आगे कर लोगे, आगे तो सिंपल है भाई, आगे स्क्वायर खोल लेना और ये सिंपलीफाई करके सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा दीदी, अगर नहीं होगा कल भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा इसकी, आप लोगों को दो तीन दिन में इस बुक से इसलिए दे दिया लेकिन मैंने देखा काम नहीं कर रहा कोई बच्चा, अगर काम कर रहा होता पीछे पीछे तो पूछता, अब मैं ही कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई समस्या नहीं आ रही, मैं ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों की समस्या ही नहीं आ रही, इसका मतलब हेड आउट तो पूछ।